नमस्ते, जय हिंद। मित्रों, आज की इस कठिन परिस्थितियों में मैं आपसे कुछ ऐसी बात देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बताना चाहता हूँ जिससे आपकी कठिनाई कम हो सके। अभी जो समस्या है, हमारे पास में तो कान के बहरेपन के लिए लोग आते हैं। नशे सूख जाने से आए हुए कान के तमाम प्रकार के बहरेपन को हम लोग बिना मशीन बिना ऑपरेशन के ठीक करते हैं, सुनवाते हैं, उसकी सुनने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। ये काम हमारा सिद्ध कार्य है, बरसों से कर रहे हैं। परंतु आज की स्थिति के अंदर हम आपको COVID-19 के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। COVID-19 का हिसाब ये है कि जब रोग का आक्रमण होने की तैयारी में हो तो सबसे ऊपर वो कमजोर पर चढ़ता है। जिसका इम्यून पावर कम है उसके ऊपर वो चढ़ बैठता है और उसका प्रभाव, जैसे सबसे पहले ये गले पर आक्रमण करता है, ऐसे कहते हैं। वैसे संकरण साहब ने बताया है कि यदि कैम्फर वनम लिया जाए तो थोड़ी इम्यून पावर बढ़ जाती है और चांसेस है कि बहुत कम लोग इसमें लपेट में आएंगे। परंतु हम लोग तो कैम्फर मदर टिंचर दिया करते हैं कि जिससे सब चीज़ें उसकी न्यूट्रल हो जाती है और इम्यून पावर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है। अब आई बात की कि उस रोग का आक्रमण ना हो, इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए पहले तो हमने बता दिया कैम्फर वनम। उसके बाद में यदि और भी दवाइयाँ हैं, जैसे क्या है कि आर्सेनिक अल्ब के साथ में चाइना 30, केवल आर्सेनिक अल्ब क्या करेगी कि आपको आर्सेनिक अल्ब जगाए मन में बल्ब, वातावरण बढ़िया कर देगी, बॉडी का इम्यून पावर थोड़ा सुधार देगी। पर इसमें जो मुख्य जो अटैक है वायरस का, वो चाइना सिंकोना भी नहीं जाएगा। आजकल एलोपैथी में भी इस दवाई का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और उसके जो नाम है संसार भर में प्रसिद्ध है। अमेरिका ने भी वो दवाई हिंदुस्तान से मंगाई है क्योंकि मलेरिया यहाँ ज़्यादा होता था। पर अभी आपको नई बात बताता हूँ कि चाइना नाम की दवाई है और इसको यदि क्रूड फॉर्म में लेंगे तो मलेरिया चढ़ेगी और यदि पोटेंटाइज लेंगे तो मलेरिया उतर जाएगी। जिन घरों में चाइना 30 का उपयोग होता है उसमें इम्यून पावर बढ़ाने की ताकत उत्पन्न होती है और बार बार मलेरिया बुखार आता है वो नहीं होती है। एक बात बीच में बहुत बढ़िया बताऊं कि मलेरिया की जो दवाई है अभी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है, उस दवाई के बारे में ऐसा है कि वो दवाई वास्तव में तो 7 दिन में एक बार लेने की होती है, बार बार लेने की नहीं होती है। इसलिए लोग सावधान रखें कि उस दवाई को, एलोपैथी दवाई को जो है, सप्ताह में एक बार लें। उसका दवाई का नाम भी बड़ा प्रचलित है संसार के अंदर, लोग सब जानते हैं। मैं आ जाता हूँ होम्योपैथी दवाई के ऊपर अपना। होम्योपैथी दवाई का नाम है चाइना 30। तो चाइना 30 को दिन में 3 बार आर्सेनिक के साथ में अदल बदल के लेने से 4 घंटा आर्सेनिक, 4 घंटे के बाद में लाइको, ये आर्सेनिक और आर्सेनिक के बाद के अंदर चाइना, इसको लेने से 99% आदमी सेफ एंड साउंड होने लगता है। फिर भी मान लो अटैक हुआ है तो गले पर पहले अटैक होगा और गले के अटैक में क्या होता है, गले में दर्द होता है और दर्द होने के बाद के अंदर वो घबरा जाता है। तो इसके लिए जनरली लोग गर्म पानी पसंद करते हैं कि भाई गर्म पानी पिलाना चालू करो, घूट 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 करके पियो तो गले में जो वायरस है वो अटैक नहीं कर पाएगा टेम्परेचर के कारण से और ख़त्म हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं है कि कितना सत्य है कितना पोजीशन है, पर ये प्रचलन है और सत्य ही होगा इसलिए प्रचलन है। परंतु मैं कहता हूँ होम्योपैथी में दवाई का नाम है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ 200 लेने से गले का कैसा भी दर्द हो वो मिट जाता है और मिट भी नहीं जाता है, वो साथ साथ के अंदर दूसरी चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। यदि गांठे जैसा हो गई है, गले में तकलीफ जाता है, तो हम बेलाडोनो के साथ में मिक्स करके हिपरसल्फ को देते हैं। 200 बेलाडोना 200 हिपरसल्फ दोनों को मिला दिया और बना के भी देते हैं, अलग अलग भी देते हैं, कभी हिपरसल्फ कभी बेलाडोना। परंतु जनरली मिला के देने से फायदा यह है कि रोगी को टाइम बाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है और गले पर आया हुआ अटैक तुरंत रुकने की संभावनाएं बढ़ जाती है, दर्द कम हो जाता है। और हिपरसल्फ का चमत्कार खूब बढ़िया जो पढ़ना जानते हैं वो होम्योपैथी मेटेरिया मेडिका या ऑनलाइन देख करके पढ़ें और समझ में आ जाएगा बेलाडोना होम्योपैथी और हिपरसल्फ क्या गजब की चीज है। हमारी दुनिया में हम कहते हैं कि हमें कुछ दवाइयां मत दो, हिपरसल्फ दे दो, बेलाडोना दे दो, हम बहुत सी दुनिया चला लेंगे। अब आइए तीसरी बात। यदि मान लीजिए बुखार फिर भी अटैक हो रहा है
और बुखार लटक बुखार पर आ गया है। उसको लटक बुखार क्यों कहते हैं? इस बुखार में क्या होता है कि आदमी लटक जाता है और पड़ जाता है और शरीर में से सब निकल जाता है, खड़े खड़े पड़ जाता है। तो उसकी दो दवाइयाँ बड़ी प्रसिद्ध है विश्व के अंदर, होम्योपैथी के अंदर। एक का नाम है जेलसीमियम। जेलसीमियम 200 पावर से दवाई देना चालू करो, रिपीट करने चालू कर दो तो बुखार उतर जाएगा, जरूर उतरेगा, जरूर उतरेगा। और उसकी जो सब निकलने की ताकत है वो खत्म हो जाएगी और वो ताकत आने लगेगी। दूसरी बात, जेलसीमियम की पावर बढ़ा भी सकते हैं। यदि आपको लगता है कि अब भाई बहुत हो गया जेलसीमियम का पावर, तो जेलसीमियम सीएम ला करके उसको दो डोज दे दो, फिर बाद में उसके लटकने की बात ही खत्म हो जाएगी, बुखार भी नहीं आएगा। सपोज करिए कि और ही स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, फेफड़ों पर आ गया। जेलसीमियम की ताकत फेफड़ों तक है, शरीर के हर अंग तक है, चाल ढाल पर है, लटकने पर है, डिजाइन है, बॉडी लटक जाती है। और इससे भी आगे यदि पेशेंट लटक कर की चक्कर आने लगते हैं, बहुत हालत बुरी हो गई है, तो कोनियम नाम की दवाई, मरे हुए को जलाने की दवाई बोलते हैं। सुकरात को दिया गया था कि सुकरात को कहा गया था इसको खड़े खड़े को मार दो, तो कोनियम दिया गया था। और कोनियम का काम यह है, वो खड़े खड़े को जलाती है, खड़े खड़े को क्रूर में तो मारती है। परंतु कोनियम का काम एक और है, चक्कर से लेकर मतलब जो मृत्यु से बचाता है उसका नाम कोनियम है। बहुत सी दवाइयां वैसे तो मृत्यु के मुख से निकालने वाले को नाम जैसे मार रहा है वैसे उठाता है। और होम्योपैथी दवाइयां यदि सच्ची है तो तुरंत लगती है और परफेक्ट लगती है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। मैं 50 वर्षों का अनुभवी हूँ, मेरी बात माने, क्योंकि हम लोग अपने पेशेंटों को कभी कभी बिठा के दवाइयां दे के रिजल्ट लेते हैं। इधर चक्कर मीटर अभी इधर दे रहे कोनियम, उधर पूछा बेटा कैसा लग रहा है, बोला अब चक्कर नहीं आ रहे। ये बात पक्की है, सत्य है, मैं इसका प्रमाणित और मेरे पास में टेस्टिमोनियल से हजारों हजारों की संख्या के अंदर। अब आगे आइए बात खास बात पर कि यदि अटैक फिर भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही नहीं, जेलसीमियम कोनियम जाने के बाद में काफी फर्क पड़ जाता है, फिर आइए आगे की बात में कि और ज्यादा तकलीफ बढ़ रही है, तो आपको रस टक्स का एक डोज दे सकते हैं। आप यदि स्थिति गंभीर होती जा रही है, फेफड़ों पर तकलीफ हो रही है, तो एंटी मार्स का प्रयोग करें, एंटी मार्स 30 का, बहुत बहुत बढ़िया तकलीफ वाला काम भी, मतलब क्या है, बहुत अच्छी दवाई है और तकलीफ वाले काम को भी ठीक कर सकती है। ये प्रयोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। लास्ट स्टेज के यदि पेशेंट आते हैं आपके पास में, तो डिफ्थेरियम का प्रयोग कर सकते हैं। डिफ्थेरियम में वही कोरोना वाले ही विष, वही सिम्टम आते हैं, वो ही जो डिफ्थेरियम में जो काम दो दवाइयां लगती है, वो मतलब रोग के अंदर जो काम आती है, वो ही रोग कोरोना में आती है। देखिए होम्योपैथी में यदि कहते हैं कि सिम्टम तुम्हारे मिलते हैं तो दवाई सच्ची है, इसलिए हम लोग सिम्टम मिला के देते हैं। अच्छा, ये वीडियो देखने वाले बहुत से विद्वान और महान जो होम्योपैथ हैं, उनसे मेरी नम्र निवेदन है कि होम्योपैथी दवाइयों की साइड इफेक्ट नहीं होती है, यदि वो लेना चाहे तो लेने, परंतु आपके पास भी कोई बढ़िया ज्ञान हो तो अभी विश्व को देने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। मेरा मानना तो ये था कि यदि सरकार चाहती तो और अभी तो प्रयत्न करे तो हमारे जितने भी होम्योपैथी मतलब कि फार्मास्यूटिकल्स को जिनको ड्रग लाइसेंस दिए गए हैं उनको बुला करके कोरोना विष दिया, कोरोना विष का जो उनको दिया जाए इंग्रेडिएंट, वो बोले इसका प्रतिविष बनाओ, तो उससे बनी हुई दवाई कभी साइड इफेक्ट होती ही नहीं है। और खाली कोरोना नहीं, जो भी आप इंग्रेडिएंट देंगे उसका पोटेंटाइज करने से दवाइयाँ इतनी जोर से बढ़िया काम करती है और पूरे संसार को बहुत सारे दुखों से कष्टों से निकाला जा सकता है। होम्योपैथी चिकित्सा का प्रावधान बहुत बढ़िया है, सरकार ने कॉलेजें बहुत बढ़िया बना दी, दवाइयाँ भी बढ़िया है, लोग कर रहे हैं पर परसेंटेज कम है। और जो लोग बहुत से लोग पढ़ लिख के क्या करते हैं एलोपैथी प्रैक्टिस करने लेते हैं, मतलब होम्योपैथी पर विश्वास उठ जाता है। और मेरे जैसे जो अनुभव 50 वर्षों का अनुभव लेके बैठा हूँ, जो अनुभवी प्रैक्टिस करते हैं उनको दुनिया में बहुत बहुत लोगों के आशीर्वाद भी मिलते हैं, लोग ठीक भी होते हैं। मैं बैरापन की ट्रीटमेंट करता हूँ, ट्रीटमेंट होम्योपैथी दवाइयों के सपोर्ट से, तो होम्योपैथी दवाइयों के सपोर्ट से यदि जन्म का बैरापन कम हो सकता है, मिट सकता है, सुनने की क्षमताएं बढ़ सकती है, तो आप विचार करेंगे कि अन्य रोग क्यों नहीं मिट सकते। इसी सिद्धांत पर मैं फिर से अपनी पब्लिक से, सरकार से और उन होम्योपैथों से और उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों से निवेदन करता हूं कि डरे नहीं, वायरस ऐसा नहीं है कि आपको लाते ही आपके शरीर में घुस जाएगा। उसको वायरस को लाने के तरीके हैं,
और आपको शरीर को वायरस आपको देने से उसके एंटीडोज बनाना चालू करें, उसको पोटेंटाइज करें। उसके अंदर सिस्टम यह है कैसे काम करता है, जनरल पब्लिक के लिए बता रहा हूं। 1% दवाई और मतलब कि आपका वायरस और 100% अल्कोहल उसके अंदर डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट करने की एक समय मर्यादा होती है, एक कितनी बार करते हैं, उसके बाद में उसको स्टॉप करके से उसमें से एक उसका एक बैच बना लेते हैं, उसमें से 1% वापिस उस अल्कोहल में से 1% अल्कोहल निकालते हैं और मिक्स दवाई वायरस वाले को, और उसके अंदर फ्रेश अल्कोहल फिर से डालते हैं 1 लीटर, और वो 1 लीटर में 100% के अंदर जब उसको डाइल्यूशन करते हैं जबरदस्त, तो उसका उसकी पोटेंसी जो मूल ताकत है वो एकदम टूट जाती है और विपरीत गुण तैयार करने लगता है। वो वायरस जो मार रहा था वो जलाने लायक हो जाएगा। और उसके बाद में वो तीसरी बार करते हैं, चौथी बार करते हैं, इस ढंग से चार फिर जैसे चौथी बार आया, चौथी बार में से बाकी का उसको बैच बना के रख दिया और उसमें से लीटर ले ली, उन 1 लीटर मतलब क्या का जो अल्कोहल तैयार हुआ है वायरस वाला, वो इसमें 1% ही वायरस था, अब -3 में आ गया, मतलब कि कितना परसेंट लेस हो गया होगा, कल्पना करिए 100% फिर 200% फिर 300% फिर 4%। ऐसे हम लोग उस डाइलेशन को बनाते बनाते 100 में लाते हैं, 200 बना फिर 30 में लाते हैं, 30 में काम करने लगती है दवाई, बहुत बढ़िया काम करने लगती है, विपरीत असर हो जाती है। 200 में और ज्यादा बढ़िया थे, 1 लाख के अंदर, 10,000 के अंदर और बढ़िया, 1 लाख के अंदर उससे भी बढ़िया, 2 लाख में उससे बढ़िया। आप कल्पना करेंगे कि 1 लाख बार उस डाइल्यूशन में से दवाई निकालते जाते हैं, फिर फ्रेश अल्कोहल डालते हैं, फिर दवाई निकालते जाते हैं, फिर गुनाते हैं, फिर करते हैं, तो वो दवाई के अंदर इतनी ताकत आ जाती है उस वायरस के अंदर कि वो मूल धर्म छोड़ करके अपने वायरस के वो हमारे साथ में प्योर अल्कोहल के पास में मिलने से वो दवाई में इतनी ताकत जाती है कि वो मारने वाला जो विष है वो जलाने वाला प्रतिविष बन जाता है, और उसमें इतनी ताकत जाती है कि वो मतलब संसार को, पूरे संसार को मेरी समझ में यदि ऐसे डोज तैयार किए जाएंगे तो वायरस तो ये क्या है, कोई भी रोग होगा उसकी दवाइयां तैयार हो जाएगी, और वो सारे लैब को लगाना चाहिए, सारे होम्योपैथ को लगाना चाहिए। और ये सिद्धांत सही है, सरकार ने माना हुआ है, पब्लिक ने माना हुआ है, होम्योपैथिक ड्रग लाइसेंस लेने वालों में माना हुआ है, किताबों में माना हुआ है, हैनीमैन ने कहा है, हमारे पास भी है, उसके विद्वान व्याख्या करने वाले हैं, तो डरने की समय बिगाड़ने की क्या आवश्यकता है। मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात है मैं ये बात को बता सकता हूँ, मेरे पास में न तो ड्रग लाइसेंस न अल्कोहल न बात है। अभी इसके अंदर बढ़िया बढ़िया जो कंपनियां हैं, जैसे आजकल क्या SBL का काम बहुत बड़ा हो गया है, तो उसको मार्केटिंग भी है, दवाई वो बनाएगा तो उसकी संसार भर में दवाइयां पहुंच जाएगी। वैसे दूसरी रेकवेक है, और जो भी कंपनियां हैं उनको सबको ये काम सौंपा जाए, तो तुरंत से तुरंत हम लोग जो हमें 1 वर्ष में बनेगा आपका क्या बोलते हैं इसका टीका बनेगा, अरे टीके की जरूरत ही नहीं है, होम्योपैथी ढंग से प्रतिविष बनाइए और देखिए संसार को कैसे बचाया जा सकता है। ये वीडियो मेरे हिसाब से यदि किसी समझदार व्यक्ति के पास में, या ऐसे महात्मा के पास में, या ऑफिसर के पास में, या मिनिस्टर्स के पास में, या सरकारी आदमियों के पास में पहुँचता है, तो इस विषय में गंभीरता से सोचें, बताएं और कोशिश करें। मैंने बहुत बार सरकार को फ़ोन करने की चेष्टा की तो हमारे फ़ोन भी नहीं लगते हैं, तो मैंने कहा एक वीडियो के द्वारा अपने मन की बात बता दूं तो हो सकता है आने वाले युग को कुछ फ़ायदा हो जाए। एक ही व्यक्ति है जिसके प्रति पूरे देश को श्रद्धा है, वो है परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र भाई, और नरेंद्र भाई से निवेदन करता हूँ कि आपकी शक्तियों के सामने आज पूरा विश्व झुक रहा है। आपके चेहरे पर आजकल सुस्ती कमजोरी दिख रही है क्योंकि चिंता हो रही है कि देश का क्या होगा, संसार का क्या होगा, पर सर मैं निवेदन करता हूँ कि आपके इस अथक प्रयत्न से देश को आपने बहुत बचाया है, बहुत बचा लेंगे, और यदि इस ढंग से यदि प्रयत्न करके देख लीजिए, बुला के पूछ लीजिए होम्योपैथ को, भाई ये संभव हो तो करिए, तो करिए, अन्यथा मुझे क्षमा करें। प्रणाम, प्रवीण सुराना के प्रणाम। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, आंबावाड़ी के शुरू में विस्तार में मेरा सेंटर भी है, कर्ण दोष निवारण केंद्र, जहाँ पर हम लोग चैलेंज के साथ में नशे सूख जाने से आए हुआ कान का तमाम प्रकार का बहरापन बिना मशीन बिना ऑपरेशन के मिटा के सुनने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, और उसके हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, लोग देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और
हमारी सबसे ज्यादा हमारे राइवल होते हैं एलोपैथी के डॉक्टर्स जो सर्जन है वो रहे, क्योंकि वो लोग मानते नहीं है बहरापन मिटता है क्या, इसलिए वो बेचारे कर विरोध भी करते हैं। पर विरोध आजकल क्या हो गया, कुछ सर्जन भी हमें अपने पेशेंट सर्जन आपके हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि सर ये पेशेंट भेज रहे हैं तो जन्म का बहरा है और इसको आप सुनवाइए, या एक कान बंद है तो इसकी ट्रीटमेंट करिए। हम उसको बड़ा गदगद होकर आभार मानते हैं कि भाई एलोपैथी वाले भी हमें होम्योपैथी वालों को मानने लगे हैं, उसके लिए मैं सबका आभार, मैं अपने मन का आभार प्रकट करता हूँ और विश्व से निवेदन करता हूँ कि जो हो गया सो हो गया, अब घबराएं नहीं, होम्योपैथी चिकित्सा के द्वारा संसार को सुरक्षित बचाइए और इलाज करिए, लोगों को ठीक करिए और अपने काम लगिए। प्रणाम।